सो हेलो बच्चों, वेलकम टू SMV क्लासेस यूट्यूब चैनल। एंड मैं फिर से आपके सामने आ गया हूँ। मेरा नाम है हर्षवर्धन एंड टुडे वील बी स्टार्टिंग विद साइंस चैप्टर ऑफ क्लास 10, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एक ऐसा चैप्टर है। ये टर्म्स आपने प्रीवियस क्लासेस में भी अपनी सुनी होगी। बेसिकली बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं। ठीक है, नहीं भी सुनी तो अब तो अपन पढ़ने जाने वाले ही हैं इन चैप्टर्स को, इस चैप्टर को। ठीक है, तो बेसिकली जो जिस चैप्टर के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही कॉमन टर्म, ठीक है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली पूरा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, उनके आपस में रिएक्शन कराने से क्या क्या होता है। ठीक है, कैसी कैसी तरह की, कैसे कैसे सिचुएशंस के अंडर किस किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, बेसिकली बेसिकली अगर मैं बात करूँ, एक ओवरव्यू दूँ, ठीक है, तो मैटर क्या होता है, मैटर किन दो चीज़ों में डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक तो प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर। ठीक है, एक प्योर और एक इम्प्योर। ठीक है, जिसमें प्योर के अंदर आता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। प्योर के अंदर क्या क्या आता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, वेयर इज इम्प्योर के अंदर होमोजीनियस हेटरोजीनियस टाइप्स ऑफ या कोलोइडल सॉल्यूशन जैसे मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, इनके बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना है, इनके बारे में अभी हमें नहीं सोचना है। ठीक है, ये सिर्फ एक आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप के क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स के अंदर हमने पढ़ा था, या फिर हम एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या होता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। ठीक है, एंड मेटालॉइड्स। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर क्या है, कंपाउंड्स के अंदर आता है। कंपाउंड्स के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बेसिकली हम क्या है, इसमें क्या है, पूरा कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में मोस्ट प्रोबेबली 60% पार्ट तो क्या है, एसिड एंड बेसिस से बना हुआ है। एसिड और बेसिस कंटेन करता है, और 40% जो पार्ट है वो क्या है, सॉल्ट्स के ऊपर है। 40% जो पार्ट है वो क्या है, सॉल्ट्स के ऊपर है। एग्जाम्स में आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो ज़्यादातर क्या है, सॉल्ट्स पे आते हैं। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स क्या है आपके एग्जाम्स में, सॉल्ट्स के ऊपर आते हैं। पर हमें तो क्या है, ओवरऑल ही पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली हमने एक ओवरव्यू देखा। अब इस चैप्टर में सबसे पहली टर्म आती है, जो कि आपने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो हम देख ही रहे हैं अभी। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहली टर्म क्या आती है, इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स। अब बेसिकली इंडिकेटर्स नाम से हम क्या समझते हैं, मतलब कोई ऐसा मटेरियल है, कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या है, किसी चीज़ का इंडिकेशन दे रहा है, या फिर इंडिकेशन देता है, इंडिकेट करता है किसी चीज़ को। ठीक है, तो इंडिकेटर्स के अंदर हम देख लेते हैं ये क्या होते हैं, स्पेशल केमिकल क्या होते हैं, कि स्पेशल केमिकल होते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस, या फिर इस एक स्पेशल केमिकल भी हम इसे सिंपल बोल सकते हैं, स्पेशल केमिकल दैट चेंजेस इट्स कलर और स्मेल, इट्स कलर और स्मेल टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, तो क्या होता है, एक स्पेशल केमिकल होता है, एक स्पेशल टाइप का केमिकल होता है, जो कि क्या है, उसका कलर, अब जैसे उसको कुछ ना कुछ इंडिकेट करना है, अगर इंडिकेटर है उसको कुछ ना कुछ इंडिकेट करना है, तो वो किसी ना किसी प्रॉपर्टी या फिर किसी ना किसी चीज़ को लेकर के इंडिकेट करेगा ना, यानी कि जैसे कि कलर हो गया, स्मेल हो गया, कुछ ना कुछ तो अपनी प्रॉपर्टी चेंज करेगा, जिससे कि हमें क्या इंडिकेशन मिल पाए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इंडिकेटर क्या होते हैं, एक स्पेशल केमिकल होते हैं जो कि क्या है, चेंज करते हैं अपने कलर या फिर स्मेल को। ठीक है, टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस, टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द इंडिकल केमिकल सब्सटेंस। अब यहाँ पर हम कुछ इंडिकेटर्स देख लेते हैं, बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स हम देख लेते हैं जो बहुत ही बेसिक होते हैं हमारे पास। पहला होता है लिटमस। ठीक है, पहला क्या होता है, लिटमस। पहला इंडिकेटर कौन सा होता है हमारे पास जो प्रेजेंट है, वो क्या होता है, लिटमस। ठीक है, अब लिटमस क्या होता है, लिटमस पेपर। और सबसे पहले लिटमस को पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ समझनी है कि लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है,
वेयर एज लिटमस पेपर के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, लिटमस सॉल्यूशन के बारे में हम बेसिकली देख लेते हैं। लिटमस सॉल्यूशन क्या है, मोस्ट प्रोबेबली पर्पल कलर में होता है, ठीक है, पर्पल कलर में होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये एसिड लिटमस सॉल्यूशन में रिएक्ट डाला जाता है, ठीक है, एसिड को जब भी हम लिटमस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो किस तरीके का कलर शो करेगा, रेड कलर शो करेगा, पर्पल कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। वेयर एज अगर हम इसे बेस में डालेंगे, वेयर एज अगर हम इसे क्या करेंगे बेस में डालेंगे, तो ये पर्पल से क्या ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बात हमारा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर क्या होते हैं, और दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इन्हें क्या है मिक्स नहीं करना है हमें, ठीक है। तो अब लिटमस में देख लेते हैं हम, लिटमस में क्या होता है, कलर क्या होता है चेंज, एसिड्स एसिड के केस में क्या कलर चेंज होता है, एसिड के केस में क्या होगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वेयर एज अगर बेसिस की बात करी जाए, वेयर अगर बेस की बात करी जाए, तो ये क्या होगा ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। लेट अस से हमने लिटमस सॉल्यूशन की तो बात कर ली, जब हम लिटमस सॉल्यूशन में एसिड को डालेंगे तो वो क्या है रेड कलर प्रेजेंट प्रोड्यूस करेगा, या चेंज हो जाएगा रेड कलर में, या फिर अगर हम बेस में डालेंगे तो वो क्या है ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। अगर हम लेते हैं लिटमस पेपर, जैसे हम रेड लिटमस पेपर ले लेते हैं या ब्लू लिटमस पेपर ले लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हम क्या है, अगर हमारे पास सपोज रेड लिटमस पेपर है और अगर हम उसे एसिड में डाल रहे हैं, तो वो क्या है कोई कलर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से रेड है और एसिड्स में क्या है रेड ही रहेगा। लेकिन वेयर एज अगर हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे, बेस में डिप करेंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या है रेड लिटमस पेपर ब्लू में कलर चेंज कर लेगा अपना, क्या हो जाएगा उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में। अगर उसी तरीके से दूसरी बात की जाए, हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर प्रेजेंट है सपोज, अगर हम उसे एसिड में डिप करेंगे या एसिड में डालेंगे, तो वहां पर क्या है वो अपना कलर ब्लू से रेड में चेंज कर लेगा, अगर बेस में डालेंगे तो वो क्या है ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या है इंडिकेशन मिल रहा है, यहाँ से हमें क्या है इंडिकेशन मिल रहा है कि सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। तो लिटमस क्या है, एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर है और बहुत ही कॉमनली यूज इंडिकेटर है, ठीक है। वेयर एज अगर हम दूसरे इंडिकेटर पे चलें, अपने दूसरे इंडिकेटर की तरफ चलते हैं हम, ठीक है, हम अपने दूसरे इंडिकेटर को देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा इंडिकेटर हमारे पास है सपोज मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। दूसरा इंडिकेटर कौन सा है हमारे पास, मिथाइल ऑरेंज। अब यहाँ पे ऑरेंज से ही समझ आ रहा है कि ये क्या है ऑरेंज कलर में प्रेजेंट होता है, इसका कलर कैसा होता है ऑरेंज होता है, ठीक है, क्या है ऑरेंज कलर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑरेंज कलर में प्रेजेंट होता है पहले से, ठीक है। अब इसका कलर चेंज क्या होगा, कलर इन एसिड्स क्या होगा, अगर हम इसमें मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन में एसिड को मिक्स करेंगे तो ये किस कलर में चेंज होगा, हाँ रेड कलर में, ठीक है रेड कलर में। और अगर हम मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन में बेस को मिक्स करेंगे, किसी भी बेस को मिक्स करेंगे, तो इसका कलर क्या होगा, इसका कलर क्या होगा येल्लो हो जाएगा, ठीक है, इसका कलर क्या होगा येल्लो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है मिथाइल ऑरेंज ऐसा इंडिकेटर है जिसमें कि क्या है बहुत ही कलर में क्या है कॉन्ट्रास्टिंग चेंज नहीं होता है, मतलब बहुत ही लिटिल चेंज, मतलब अपन देख सकते हैं पर क्या है उतना कॉन्ट्रास्टिंग चेंज नहीं होता है कि हम सीधा सीधा मान लें उस चीज़ को, या फिर सीधा सीधा हमें पता लग जाए कि ये एसिड है या फिर बेस है, इसलिए हम इसे क्या है प्रिफर नहीं करते ज़्यादातर यूज़ करना, ठीक है, यूज़ करना है इसे हम ज़्यादातर प्रिफर नहीं करते। चलते हैं अपने तीसरे इंडिकेटर की ओर, तीसरा इंडिकेटर हम देख लेते हैं अपना, यहाँ पर है फिनोफ्थलीन, ठीक है, फिनोफ्थलीन, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है अपनी ओरिजिनल स्टेट में क्या होता है कलरलेस होता है, ठीक है, क्या होता है कलरलेस होता है, फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन जो क्या होता है वो होता है कलरलेस, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है पहले से, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, जैसे कि हम अगर हम इसमें देखें, ठीक है, तो एसिड अगर इसमें मिक्स किया जाएगा, अगर एसिड इसमें मिक्स किया जाएगा, ठीक है, तो कलर चेंज क्या होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, ये क्या है कलरलेस ही रहेगा, यानी कि नो चेंज, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कोई चेंज नहीं हो रहा है। वेयर एज अगर हम बेस में बात करी जाए, ठीक है, बेस में अगर हम बात करें, ठीक है, कलर इन बेस, तो ये क्या हो जाएगा पिंक कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, अगर हम इसमें बेस मिक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पिंक कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब फिनोफ्थिलिन भी हम बेसिकली इसलिए यूज़ नहीं करते ज़्यादातर कॉमनली इसलिए यूज़ नहीं करते, बिकॉज अगर देखो यहाँ पर नो चेंज हो रहा है, यहाँ पर नो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या है अगर हम उसमें पानी भी मिक्स कर देंगे, ठीक है, फिनोफ्थिलिन में समोस हम पानी मिक्स कर रहे हैं तो भी कलरलेस ही रहेगा, ठीक है, कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हम एसिड मिक्स करेंगे तो भी कलरलेस है, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वहाँ पर क्या है जजमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ये सब्सटेंस एसिड है या फिर कुछ और है, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंडिकेटर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट इंडिकेटर को देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंडिकेटर है अपने पास वनीला, ठीक है, वनीला, ठीक है। वनीला क्या है? वनीला में आप सबने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। वनीला में क्या है? अपनी एक स्मेल होती है, ठीक है। अपनी एक स्मेल कंटेन करता है वनीला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें कलर चेंज तो नहीं होता, लेकिन क्या है, स्मेल चेंज होती है। इसमें कलर चेंज तो नहीं होता, पर क्या होता है, स्मेल चेंज होती है। हमने इंडिकेटर की डेफिनेशन में देखा था, या तो वो कलर चेंज करेगा या फिर स्मेल चेंज करेगा इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थिलीन और लेटमस देखा। ये सब तो क्या कर रहे थे? अपना कलर चेंज कर रहे थे। पर यहाँ पर क्या है? वनीला क्या है? वनीला क्या है? यहाँ पर स्मेल चेंज करेगा, क्योंकि वनीला का कलर तो सेम ही होता है, लेकिन क्या है, स्मेल उसमें होती है वनीला में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं स्मेल, स्मेल में क्या चेंज होगा अगर हम इसमें एसिड मिक्स करेंगे तो, ठीक है। सपोज अगर हम एसिड मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो स्मेल में क्या चेंज होगा? स्मेल इन एसिड्स क्या है? स्मेल उसकी सेम ही रहेगी, यानी कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम उसमें एसिड मिक्स कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम ही स्मेल रहेगी। लेकिन वेयर एज अगर हम बेस की बात करें, ठीक है, बेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहां पर क्या है, नो स्मेल। वहां पर जो क्या है वो स्मेल लेस, या फिर स्मेल लेस कोई वर्ड नहीं होता, मतलब वहां पर जो उसकी ओरिजिनल स्मेल रहेगी वो भी खत्म हो जाएगी, वहां पर कोई स्मेल नहीं बचेगी अब, ठीक है। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, अगर हम बेस मिलाएंगे वनीला में, ठीक है, तो वहां पर स्मेल में चेंज आ तो रहा है, पर वहां पर क्या है, जो उसकी ओरिजिनल स्मेल है वो खत्म हो जाती है, स्मेल खत्म ही हो जाती है बिल्कुल, कोई स्मेल नहीं आती, ठीक है। लेकिन वेयर एज अगर हम एसिड मिला रहे हैं तो उसकी स्मेल सेम रहती है। तो इसमें भी क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है हमारा जजमेंट करना कि एसिड ही है या फिर कोई और सब्सटेंस है, क्योंकि चेंज तो वो कुछ शो कर नहीं रहा है सच, ठीक है। अब हम अपने फिफ्थ इंडिकेटर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। फिफ्थ इंडिकेटर है हमारा क्या है? फिफ्थ इंडिकेटर, फिफ्थ इंडिकेटर है हमारा ऑनियन, ठीक है। ऑनियन में भी क्या होती है? खुद की एक स्मेल होती है, खुद की एक स्मेल होती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, बेसिकली किस पर काम करता है? स्मेल के ऊपर ही काम करता है बेसिकली, क्या है यहाँ पर, ये भी स्मेल के ऊपर ही काम करता है। तो हम इसकी देखते हैं, अगर स्मेल इन एसिड्स, एसिड के साथ ये क्या स्मेल करेगा? एसिड के साथ स्मेल इसकी सेम ही रहेगी, एसिड के साथ क्या है, इसकी स्मेल सेम ही रहेगी, यानी कि नो चेंज, ठीक है। अगर बेस की बात की जाए, बेस की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेम वही वनीला वाला नो स्मेल हो जाएगी, उसकी जो ओरिजिनल स्मेल है वो भी क्या है, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर सीधे सीधे अपन ये भी कह सकते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया, वनीला में भी बताया कि ओनियन में भी सेम है, नो चेंज होगा एसिड डालने पर, बेस मिलाने पर क्या है, उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, यानी कि वो स्मेल बिल्कुल जो उसकी ओरिजिनल स्मेल है वो भी क्या है, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसे भी क्या है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसमें भी जजमेंट करना, तो इसे भी हम क्या बहुत बहुत कॉमनली यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ से हम पांच इंडिकेटर्स पढ़ने के बाद हमारे पास क्या बात उठ करके आ रही है, हम अपन अब ऑटोमेटिकली हम दिमाग में एक आइडिया बना सकते हैं, एक सोच बना सकते हैं कि ये जो बाकी के लिटमस के अलावा जो बाकी के इंडिकेटर्स हैं ये क्या है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज कैरी करते हैं, ठीक है। इनसे जजमेंट करना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है, वेयर एज लिटमस से जजमेंट करना क्या है, बहुत ही ईजी और बहुत ही क्लियर है, ठीक है, बहुत ही ईजी और बहुत ही क्लियर है, क्योंकि वहां पर क्या है, वो सीधा सीधा कलर चेंज दे रहा है हमें, ठीक है, और हम वहाँ क्या है, बहुत ही स्ट्रांगली उस पर विश्वास और जजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिटमस क्या है, बहुत ही फेमस और मोस्ट कॉमनली यूज, ठीक है, इंडिकेटर है, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ इंडिकेटर्स देखे, ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स देखे। अब इसके बाद एक नोट पे चलते हैं, ठीक है, एक नोट पे चलते हैं हम बेसिकली इसके बाद, ठीक है, नोट लिखते हैं एक, ठीक है। आपने एक टर्म सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक टर्म होती है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। आइए देखते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते क्या हैं। इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स, ठीक है, विच चेंज देयर स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है, ये टर्म आपको याद रखनी है, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि क्या है, अपनी स्मेल चेंज करते हैं किसकी प्रेजेंस में, एसिड या बेस की प्रेजेंस में, जो कि हमने एग्जांपल अभी जस्ट इससे पहले ही देख लिए, एक एग्जांपल आपके सामने भी है, ठीक
ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, सपोज वनीला और ऑनियन, इसके कुछ दो एग्जांपल हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमने एग्जांपल्स लिख लिए। बेसिकली अब ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स किसके लिए बने थे, है ना, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स किसके लिए बने थे, ये क्या है, मेड फॉर ब्लाइंड पीपल या फिर जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बेसिकली बनाया गया था। ठीक है, जो कि क्या है, स्मेल से जज कर सके। ठीक है, यहाँ तक हमने बात समझ ली। ठीक है, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बेसिकली एक चीज़ बताना चाहूँगा, वैसे तो यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं क्या है कि आगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, अपने काम आएगा। ठीक है, टर्मरिक एक इंडिकेटर होता है, टर्मरिक एक इंडिकेटर होता है, टर्मरिक इंडिकेटर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली ये येल्लो कलर का होता है, ओरिजिनल स्टेट में येल्लो कलर का होता है, हल्दी हम सबने देखी घर में, वही वही इंडिकेटर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो इसका कलर चेंज होता है एसिड्स में, ठीक है, कलर इन एसिड, अगर हम इसमें एसिड मिक्स करेंगे तो ये किस कलर का होता है, येल्लो कलर का ही रहता है सेम। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, येल्लो कलर का ही रहता है, यहाँ पे हम लिख भी लेंगे नो चेंज। पर वेयर एज अगर हम इसे बेस में मिक्स करेंगे, अगर हम इसे बेस में मिक्स करेंगे तो ये क्या है, अपना कलर चेंज करता है और किस कलर में चला जाता है, रेडिश ब्राउन कलर में चला जाता है, रेडिश ब्राउन कलर में चला जाता है। ठीक है, इससे आप एक एक्टिविटी करके इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप एक एक्टिविटी भी घर पे कर सकते हो। ठीक है, एक एक्टिविटी भी आप घर पे कर सकते हो, वो एक्टिविटी मैं बता देता हूँ क्या होती है। ठीक है, आपको बेसिकली क्या है, दो ग्लास कंटेनर्स लेने हैं घर पे, दो कोई भी ग्लास कंटेनर्स ले लेना, उसमें क्या है, वाटर मिक्स करके 1 टेबल स्पून दोनों में टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी को अच्छे से मिक्स कर देना, उसके लम्स नहीं बने होने चाहिए, प्रॉपर स्टर करके उसके बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना। ठीक है, ठीक है, उसमें क्या है, आप कुछ भी मिला देना एक में, तो या तो विनेगर या फिर कुछ भी एसिटिक एसिड कुछ भी मिला देना जो भी आपके घर में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो वहां पर आप देख पाओगे उसका जो कलर है वो चेंज नहीं होगा, येल्लो ही रहेगा। ठीक है, वेयर एज अगर कोई आपके पास घर में जो अपने यूज होते हैं बाथिंग सोप्स होते हैं, यानी कि डव वैसे कोई सोप जो मिल्क प्रोडक्ट से इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, उनको मत लेना, मिल्किस प्रोडक्ट से कोई अच्छा वाला जिसमें अच्छा बेस हो वो वाला सोप लेना, यानी कि लक्स या फिर कुछ भी। ठीक है, उस बेस को क्या है, उस सोप सॉल्यूशन को बना करके उसमें मिक्स कर देना। ठीक है, या फिर उसका पाउडरी जो वो फॉर्म है उसको उसमें टर्मरिक पाउडर में दूसरे वाले में डाल देना, तो वहां पर आप क्या देख पाओगे कि जो येल्लो कलर का सॉल्यूशन था वो क्या है, रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई होगी, होप करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हम एक नया टॉपिक देख लेते हैं, एक नया टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, अब हम क्या चल रहे हैं, बेसिकली ये हमने क्या, एक ओवरव्यू और बेसिक चीज़ें देख ली जो कि एसिड बेसिस सोल्ट में काम आती हैं। ठीक है, अब हम मेनली एसिड और बेस की बात करते हैं, यहाँ पर हम चल रहे हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेसिस। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली, इंट्रोडक्शन टू एसिड्स एंड बेसिस। अब क्या है, हम बेसिकली एसिड और बेस पे चल रहे हैं। ठीक है, एसिड देख लेते हैं क्या होता है, एसिड वैसे आप लोगों को पता होगा लेकिन एसिड हम देख लेते हैं क्या होता है। वैसे एसिड की जो अभी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं क्या है, बहुत ही घिसीपिटी और फॉर्मल डेफिनेशन है, आगे जाके इस चैप्टर में क्या है, घिसीपिटी तो मतलब आप लोग उसको सीरियसली मत ले लेना, मतलब क्या है, एक जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो है। ठीक है, लेकिन आगे चल के, थोड़ा सा आगे चल के, अब जैसे जैसे हम इसमें फर्दर लेक्चर्स करते जाएंगे वहां पर क्या है, आगे चल के एसिड की डेफिनेशन बिल्कुल चेंज होने वाली है, बिल्कुल चेंज होने वाली है, क्योंकि वहां पर, वहां तक पहुंचते पहुंचते क्या है, बहुत सारी चीजें आपको एसिड्स के बारे में क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, तो एसिड देख लेते हैं हम बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल कंपाउंड्स हुज एक्वस सॉल्यूशन, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली, कंपाउंड होता है एक एसिड बेसिस सॉल्ट, तीनों कंपाउंड होते हैं, तो केमिकल कंपाउंड्स हुज एक्वस सॉल्यूशन कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड आर कॉल्ड एसिड्स। ठीक है, तो ये हमने चीज़ देख ली थी शुरुआत में ही, जब हमने इंडिकेटर्स देख रहे थे, हम इंडिकेटर्स जब देख रहे थे तो वहां पर हमने ये बात देख ली थी कि क्या होता है, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनका क्या है, एक्वस सॉल्यूशन क्या है, ब्लू लिटमस को, एक्वस सॉल्यूशन क्या है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में, तो वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हम ले सकते हैं, ठीक है, लैक्टिक एसिड जो कि क्या है मिल्क प्रोडक्ट्स में और इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, और एक और ले लो आप सिट्रिक एसिड ले लो, ठीक है, सिट्रिक एसिड जो कि क्या है आपके विनेगर लेमन इनमें क्या है प्रेजेंट होता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं बेसिस की ओर, बेस क्या होते हैं, ठीक है, बेस क्या होते हैं, ये भी क्या है केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स हुज एक्वस सॉल्यूशन कन्वर्ट्स रेड लिटमस टू ब्लू आर कॉल्ड बेसिस, ठीक है, आर कॉल्ड बेसिस। इसके एग्जांपल जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम देख सकते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम क्या है देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं बेसिस हमने देख लिया, क्या होते हैं केमिकल कंपाउंड्स ही होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन अगर उनका हम उसमें लिटमस पेपर में उनके एक्वस सॉल्यूशन में अगर क्या है हम लिटमस पेपर डिप करें, अगर उनके एक्वस सॉल्यूशन में क्या है हम अगर लिटमस पेपर डिप करें, ठीक है, तो वो क्या है क्या शो करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, रेड लिटमस को क्या है ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके एग्जांपल हमने देख लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है बहुत ही अच्छे बेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या है एसिड्स देख लिया, बेसिस देख लिए, ठीक है, हमने क्या है एसिड्स देख लिया और बेसिस देख लिए, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर हम बेसिकली एक टेबल बनाने वाले हैं, टेबल बना लेते हैं जिससे कि क्या है हम बहुत आसानी से एक बार समझ पाएंगे, ठीक है, टेबल बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक है। एक टॉपिक हम लिख लेंगे इसमें डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, क्या क्या डिफरेंस होता है एसिड्स और बेसिस के बीच में, ठीक है। तो अब डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, यहाँ पर हम एक टेबल बना लेंगे, सपोज हमने ये टेबल बना ली है एसिड्स बेसिस, ठीक है, ये हमने यहाँ से प्लान की थी। पहला 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 पॉइंट, हम पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है इनका, सबसे पहले एसिड्स का क्या होता है सोर टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है यानी कि खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है, कैसा टेस्ट होता है सोर, ठीक है, यानी कि खट्टा, जैसे कि विनेगर आप ले लो अपने डेली लाइफ में, ठीक है, आपके घरों में सबके घरों में विनेगर प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो उसका क्या होता है टेस्ट क्या होता है खट्टा सा होता है, यानी कि वो क्या है एसिड है, ठीक है। अब बेसिस में देखते हैं इनका टेस्ट कैसा होता है, इनका टेस्ट होता है बिटर, ठीक है, इनका टेस्ट क्या होता है बिटर इन टेस्ट, ठीक है, यानी कि कड़वे होते हैं, क्या होते हैं कड़वे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं एसिड्स का सोल्यूबल इन वाटर, एसिड्स क्या हैं सारे ही एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, सारे ही एसिड्स क्या होते हैं सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, वेयर एज अगर हम बेस की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है कुछ बेसिस सॉल्यूबल होते हैं और कुछ बेसिस इनसॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, कुछ बेसिस सम आर सॉल्यूबल एंड सम आर इनसॉल्यूबल, ठीक है, सम आर सॉल्यूबल एंड सम आर इनसॉल्यूबल। बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की और, ठीक है, तो इनका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, इनका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, डाइल्यूट सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी क्या है, इसका भी क्या है डाइल्यूट सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें क्या है कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप ये बोलेंगे कि सर आपने डिफरेंस में क्यों लिखवा दिया, दोनों चीजें तो सेम है, ठीक है, तो ये मैं आपको यहीं से क्लियर कर रहा हूँ, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स तीनों में ही क्या है ये पॉइंट कॉमन है, उनका जो डायल्यूट सोल्यूशन है वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उनका जो डायल्यूट सोल्यूशन है वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। फोर्थ हम देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं नेचर में कैसे होते हैं कोरोजिव होते हैं, एसिड्स आर कोरोजिव यानी कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी कि अगर हाथ पे गिर जाए तो हाथ को जला भी सकते हैं, इतने ज्यादा वो कोरोजिव होते हैं, ठीक है, यानी कि हार्मफुल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है ये क्या होते हैं बेसिस क्या होते हैं सोपी होते हैं, यानी कि थोड़े से क्या है हम कह सकते हैं सोपी होते हैं,
कैसा टेक्सचर होता है इनका, सोपी टाइप में, जो घर पे अपन जो सोप्स यूज करते हैं ना, तो उस टाइप का टेक्सचर होता है, सोपी इन नेचर, ठीक है, सोपी इन नेचर, ठीक है। इतनी बात हमने समझ ली, या हमने क्या है, बेसिक बेसिक चीज़ें यहाँ पर देख ली कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं एसिड्स और बेस में, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं एसिड्स और बेस में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ तक हमने क्या 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 देखा, यहाँ तक हमने क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी देख ली थी, एसिड और बेस के डिफरेंसेस में क्या है हमने, और उससे पहले एसिड्स और बेस की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ ली। अब हमें क्या है, हम आगे बढ़ रहे हैं किस पर, किस पर, केमिकल प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं हम इस टॉपिक में आगे चल के, कि एसिड और बेसिस की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिकली उनकी रिएक्शंस देखने वाले हैं, ठीक है, बेसिकली उनकी रिएक्शंस देखने वाले हैं। तो पहली रिएक्शन है हमारी यहाँ पे, ठीक है, पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, एसिड और बेस जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे, किस टाइप का नेचर शो करेंगे, ठीक है, क्या क्या सब्सटेंसेस वो फॉर्म करेंगे प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, वो सब चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। सपोज अगर हम एसिड्स की बात कर रहे हैं, एसिड्स की हम पहले बात कर लेते हैं, बेसिस की बात बाद में करेंगे। रिएक्शन विद मेटल्स में हम क्या है, अगर एसिड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जब भी एक एसिड हम ले रहे हैं, इसे अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये क्या है बेसिक के एक रिएक्शन है एसिड्स के केस में, रिएक्शन विद मेटल में, ठीक है। जब भी हम किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वहां पर क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, सपोज पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं HCl, ठीक है, HCl, ठीक है, प्लस सोडियम हमने ले लिया, तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक सॉल्ट बन गया है, यहाँ पर एक सॉल्ट बन गया है, ये हमने क्या लिया था, एक एसिड लिया था, ये एसिड लिया था, ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा मेटल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने पूरी रिएक्शन को क्या है बैलेंस फॉर्म में लिखा था, तो अब जैसे कि आपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर पढ़ लिया है, आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का आपने पढ़ लिया है, तो आपको क्या है यहाँ से आगे तक सब चीज़ें, आप जितने भी इक्वेशंस आप लिख रहे हैं वो बैलेंस फॉर्म में ही लिखनी है, और दूसरी फॉर्म में भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या है ट्राई करना है ज़्यादातर हमें बैलेंस फॉर्म में ही लिखें, क्योंकि हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन डजेंट एग्जिस्ट, ठीक है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन कोई इक्वेशन ही नहीं होती, ठीक है। सेकेंड, एक और एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पर H2SO4 प्लस पोटेशियम मेटल ले लिया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सॉल्ट बन रहा है, ठीक है, ये क्या है, एक सॉल्ट है, ठीक है, ये क्या है अपना एक मेटल है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव, ठीक है, और ये क्या है अपना एसिड है, ठीक है, ये क्या है अपना एसिड है, ठीक है। इतने हमने दो एग्जांपल देखे, एसिड का केस हमने देख लिया, जब भी हम किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हमने उसके एग्जांपल्स भी देख लिए हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या एक नोट लिखेंगे, ठीक है, नोट लिखेंगे, ठीक है, नोट क्या है, सम लेस रिएक्टिव मेटल्स, सम लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम एक्सेट्रा, ठीक है, ये क्या है, सब लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, डो नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ठीक है, ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो कुछ लेस रिएक्टिव मेटल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी लिखवा दिया, कॉपर गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, ये क्या होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड्स के साथ, ठीक है, एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एक नोट और है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है, इसको आपको समझने की बहुत अच्छे से ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, ये क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है। अगर सपोज 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 हम मेटल को एक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, जो नाइट्रिक क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है,
हम इसे क्या है नाइट्रिक एसिड के साथ जब भी रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन गैस नहीं बन रही है, ठीक है, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन गैस नहीं बन रही है, यहाँ पर क्या है सॉल्ट के साथ क्या बन रहा है वाटर बन रहा है, वाटर बन रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, क्यों होता है ये, बेसिकली ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एसिड है, यहाँ पर जो एसिड है HNO3 है, वो क्या है बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज़ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो वो क्या करता है यहाँ पर, वो यहाँ पर क्या करता है हाइड्रोजन गैस के साथ एक ऑक्सीजन भी फॉर्म करता है, जिससे कि क्या है वाटर बन जाता है। इसे हम लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेते हैं बीइंग अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस H2 इंटू H2O, जो मैंने आपको बताया ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन को, ठीक है। ठीक है, क्या होता है कि गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के नाते ये क्या है बहुत ही अच्छा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये उसके नाते क्या करता है हाइड्रोजन को क्या है ऑक्सीडाइज कर देता है और वहाँ पर क्या है H2O फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अब आप लोग कहेंगे सर आप तो एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री है, यहाँ पर क्या है ऐसा ही होता है, बेसिकली यहाँ पर क्या है ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है एक्सेप्ट ब्रैकेट में लिख लेना मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। जब भी नाइट्रिक एसिड को मैग्नीशियम या कैल्शियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या है H2O फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, H2O फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। इतनी बात हमसे क्लियर हो गई होगी, इतनी बात हमारे पास क्या है क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या क्या समझा, बेसिकली रिएक्शन ऑफ मेटल्स समझा, किसके साथ एसिड्स और किसके साथ बेसिस के साथ, बेसिस के साथ अभी समझा ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिस के साथ अब समझ लेते हैं, एसिड के साथ हमने यहाँ पर क्या है पूरी रिएक्शन विद मेटल समझ ली, ठीक है। अब क्या है बेसिस के केसेस में क्या होता है, हमने एसिड्स के केसेस में जो देख लिया, अब बेसिस के केसेस में क्या होता है, ये सपोज बेस का केस ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर क्या रिएक्शन बनेगी, सपोज हमने क्या है बेस ले लिया, कोई बेस है हमारे पास, उसे अगर हम कभी भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो क्या बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही बनेगी, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है बेसिस के केस में क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही कम बेसिस होते हैं, वेरी फ्यू, ठीक है, बहुत ही कम बेसिस होते हैं जो क्या है मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और उनका प्रोडक्ट भी क्या रहता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बेसिस का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जो क्या है मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या है NaOH+ जिंक ले लिया, ठीक है इसका क्या होगा, यहाँ पर क्या है सोडियम जिंकेट नाम का एक प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पर क्या हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप दो मेटल हैं, बेस तो है, ये तो बेस है, लेकिन क्या है दो मेटल्स प्रेजेंट हैं रिएक्शन में, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्या है बहुत ही देखने वाली है, ठीक है, सोडियम जिंकेट, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, सपोज हम क्या है एल्यूमिनियम को रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमें पता है यहाँ पर क्या बनेगा NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब मैंने जैसा आपको बताया वेरी फ्यू बेस होते हैं जो कि मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या है रिएक्शंस बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर रिएक्शंस होती है बेसिस की मेटल्स के साथ में, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली हमने देख लिया रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स एंड बेसिस दोनों के साथ में। एक नोट लिखेंगे, ठीक है, एक नोट देखते हैं, नोट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो होती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस कैन बी टेस्टेड यूजिंग पॉप साउंड। अब यहाँ पर देखा था हम लोगों ने सब जगह हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है, तो इस हाइड्रोजन गैस को हम कैसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस कैन बी टेस्टेड यूजिंग पॉप साउंड टेस्ट, ठीक है,
ठीक है। अब बेसिकली ये पॉप साउंड टेस्ट क्या होता है, जब भी रिएक्शन हो रही है, जब भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो अगर आप वहाँ पर क्या करेंगे, चलो पहले लिख लेते हैं फिर मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो पॉप साउंड टेस्ट क्या होता है, पॉप साउंड टेस्ट मीन्स इफ वी ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल या फिर मैजेस्टिक, ठीक है, कैंडल और मैजेस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, देन इफ द गैस बर्न्स, देन इफ द गैस बर्न्स विद पॉप साउंड, देन इट इज हाइड्रोजन गैस, या फिर देन इट शोज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, देन इट शोज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जब भी क्या होता है, रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है, अगर हम उसमें क्या करेंगे, पॉप साउंड टेस्ट अगर हमें करना है, तो टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास, जो टेस्ट ट्यूब का माउथ है, हम कैसे चेक करेंगे कि वहां पर हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास हम या तो बर्निंग कैंडल या फिर मैच स्टिक ले जाएंगे, तो वो क्या है, एकदम से पॉप साउंड के साथ, जैसे हल्का सा कुछ फायर क्रैकर होता है ना, बिल्कुल, मतलब फायर क्रैकर तो खैर ज्यादा हो गया, वो ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, पर अगर हम उसे पास लेके जाएंगे तो वो एक फायर क्रैकर की तरह ही फटने जैसा, या फिर मतलब फटेगा नहीं, लेकिन वैसा ही साउंड बिल्कुल कम लेवल पर प्रोड्यूस करेगा, जो कि क्या शो करता है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, या फिर वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, ये शो करता है, ठीक है। इतनी बात हमने देख ली, ये नोट भी हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं अपनी सेकेंड रिएक्शन की तरफ। अब क्या है, हम अपनी सेकेंड रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन, कार्बोनेट, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेसिकली क्या है, बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, मेटल कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट को नहीं, मेटल जो हाइड्रोजन बायकार्बोनेट होता है, मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, उसे क्या है, बायकार्बोनेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन कैसी होती है, ठीक है, रिएक्शन कैसी होती है। सपोज हमने यहाँ क्या है, एसिड ले लिया प्लस मेटल कार्बोनेट के साथ हम इसे रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, मेटल कार्बोनेट के साथ हमें क्या है, इसे रिएक्ट करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, सॉल्ट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉल्ट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं मेटल कार्बोनेट की जगह, अगर आप चाहें तो, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या है, बाय कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने बेसिकली ये रिएक्शन देख ली, ठीक है, अगर हम किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बायकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो प्रोडक्ट्स क्या क्या फॉर्म होंगे, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, ठीक है। सपोज हमने क्या है, एसिड ले लिया HCl प्लस एक कार्बोनेट ले लिया Na2CO3, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, NaCl एक सॉल्ट बन गया प्लस वाटर बन गया प्लस क्या है, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ठीक है। तो ये था इसका एक एग्जाम्पल। सपोज हम इसकी जगह पे हमने कार्बोनेट लिया था, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट या बायकार्बोनेट भी लेके देख लेते हैं, ठीक है। सपोज हमने क्या है, यहाँ H2SO4 एक एसिड ले लिया, ठीक है, NaHCO3 ये क्या है, हमारा बायकार्बोनेट हमने ले लिया, कार्बोनेट की जगह बायकार्बोनेट लिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये क्या है, सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमारी बन गई है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स थे बेसिकली किसके एग्जांपल्स थे, मेटल कार्बोनेट या बायकार्बोनेट के साथ में हम जब भी एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, तो उसके एग्जांपल्स ये हमारे पास बेसिकली थे, ठीक है।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, रिएक्शन बेसिस के साथ में बिल्कुल भी नहीं होती है, क्या है, नो रिएक्शन होगी बेसिस के साथ में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रिएक्शन बेसिस के साथ में नहीं होती है, ओनली एसिड्स के साथ में होती है, ठीक है। विद बेसिस देर इज नो रिएक्शन इन दिस केस, ठीक है, विद बेसिस देर इज नो रिएक्शन इन दिस केस, ठीक है। सपोज अब हमने क्या है वहाँ पर हाइड्रोजन गैस को टेस्ट किया था, ठीक है, पिछली रिएक्शन में हमने क्या हाइड्रोजन गैस को टेस्ट किया था, किससे, पॉप साउंड टेस्ट से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को कैसे हम शो करेंगे या फिर टेस्ट करेंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर क्या है, उसके लिए लाइम वाटर टेस्ट हम करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है, हम लाइम वाटर टेस्ट करते हैं, वहाँ पर हमने पॉप साउंड टेस्ट किया था, यहाँ पर हम क्या है लाइम वाटर टेस्ट करेंगे, ठीक है। लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता है, लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता है, सपोज हमने क्या है लाइम वाटर ले लिया, ये लो ये, ठीक है, ये लाइम वाटर है, ये क्या है एक लाइम वाटर है, ठीक है, प्लस हमने क्या है इसमें CO2 मिक्स कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या है मिल्की है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो गया, जो कि क्या है मिल्की है, ठीक है, नेचर में कैसा है मिल्की है, प्लस यहाँ पर क्या है वाटर तो फॉर्म होगा ही होगा, ठीक है, वाटर क्या है यहाँ पर फॉर्म हो गया है। तो ये रिएक्शन देख लिया हमने, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, चलो लिख लेते हैं एक बार, पहले लिख लेते हैं फिर समझ लेंगे, ठीक है, लिख लेते हैं। टू टेस्ट CO2 वी कैन यूज, टू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड वी कैन यूज लाइम वाटर टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट, ठीक है। इफ वी पास कार्बन डाइऑक्साइड इनटू लाइम वाटर, ठीक है, इफ वी पास कार्बन डाइऑक्साइड इनटू लाइम वाटर, देन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की हैंस शोज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये रिएक्शन देखी थी, हमने यहाँ पर क्या है ये रिएक्शन देखी थी, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पर हमने लाइम वाटर में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई थी, तो क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट बना था, और इसका नेचर कैसा था, मिल्की नेचर में कन्वर्ट हो गया था ये, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या है इसको कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें इसे टेस्ट करना है तो लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा देंगे, ठीक है। तो वो क्या है कार्बोनेट फॉर्म करेगा, और वो क्या होगा मिल्की नेचर में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो उस मिल्की नेचर को हम देख करके क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर CO2 प्रेजेंट है, हेंस इट शोज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें क्या है, इसमें भी एक हम देख लेते हैं, इफ ठीक है, CaCO3 अगर है यहाँ पर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है, इसे क्या है कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हम इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सिस में देते रहेंगे, वहां पर क्या है हमने कार्बन डाइऑक्साइड क्या है दे रहे थे, हमने दे करके सिर्फ टेस्ट करने के लिए एक लिमिटेड अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड दी और हमने क्या है टेस्ट कैरी आउट कर लिया। पर यहाँ पर क्या होगा, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस में CO2 देते रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। यह हमारा क्या है प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है, जो कि क्या है सोल्यूबल होगा, ठीक है, जो कि क्या है सोल्यूबल हो जाएगा, और सोल्यूबल होने के बाद क्या है हम उसे जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या है वो मिक्स हो जाएगा पूरा उसमें, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है सोल्यूबल होता है वाटर में, तो उसे हम वहाँ पर जज नहीं कर पाएंगे कि CO2 प्रेजेंट है कि नहीं है, क्योंकि वो मिल्की नेचर शो नहीं करेगा, सोल्यूबल हो जाएगा वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इस नोट के नीचे, इस वाले नोट में हम लिख रहे हैं इफ वी पास एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, अभी अच्छे से समझ आ जाएगा आपको और लिखने के बाद, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, ठीक है, थ्रू लाइम वाटर, इट विल फर्स्ट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, पहले तो क्या है वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा इनिशियली, ठीक है, इट विल फर्स्ट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, विच इज मिल्की, जो हमने पढ़ा था, विच इज
मिल्की, ठीक है। बट आफ्टर दैट अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम एक्सिस में दे रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक्सिस में दे रहे हैं। बट आफ्टर दैट इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। विच इज अगेन ट्रांसपेरेंट, विच इज अगेन ट्रांसपेरेंट, क्योंकि क्या है वो अपनी सोल्यूबल स्टेट में आ चुका है, सोल्यूबल हो गया। विच इज अगेन ट्रांसपेरेंट, बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सोल्यूबल इन वाटर, बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ तक, ठीक है। अब हमारे को क्या है, अगली तीसरी रिएक्शन की ओर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्ड रिएक्शन की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमने दो रिएक्शंस पढ़ ली, एक तो किसके साथ, एक तो मेटल्स के साथ पढ़ी, और दूसरी पढ़ी मेटल कार्बोनेट्स या फिर बाय कार्बोनेट्स के साथ में, ठीक है। अब तीसरी रिएक्शन हमारे किसके साथ होगी, रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, ठीक है, विद ईच अदर। अगर हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या है, एसिड और बेस जब एक साथ मिलते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो हम इसको क्या है, बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसे हम क्या है, बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हम क्या है इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखते हैं क्या होता है, पहले लिख लेते हैं, ठीक है, फिर मैं समझाता हूँ। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर, विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज क्या है, बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम इसे बोलते हैं, ठीक है। जब भी क्या एसिड और बेस आपस में एक साथ एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, और बेसिकली क्या है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एसिड प्लस बेस, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, और यहाँ पर नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पर क्या है, नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो कि क्या होता है, यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो कि क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेंगे, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पर HCl एसिड ले लिया और यहाँ पर क्या है, बेस ले लिया, ठीक है। ये तो यहाँ पर क्या है, NaCl प्लस H2O, ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है, ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रल सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। ये तो क्या हो गया हमारा एसिड, ये क्या हो गया हमारा बेस, और इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, बन रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल एक और देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये तो था हमारा पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो दूसरा एग्जांपल क्या है, अगर हम H2SO4 ले रहे हैं प्लस हमने क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया KOH, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है हमारा, न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है, ठीक है, प्लस वाटर। तो हमने ये देखा, जब भी हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करके रिएक्ट करवाएंगे आपस में, तो वहाँ पर क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, वहाँ पर क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो हमने यहाँ तक बात कर ली है, ठीक
ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली क्या है, यहाँ पे हमने क्या बात करी थी बेसिकली कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो क्या बनाएंगे, एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या बनाएंगे, न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे। पर यहाँ पर हम क्या है, एक नोट लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, हम एक नोट लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, हम किन केस की बात करने जा रहे हैं, इसी के अंदर किन केस की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने बात की थी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर एक न्यूट्रल सॉल्ट बना रहे थे, पर क्या होगा अगर एक एसिड स्ट्रॉन्ग है और वीक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, या फिर एक वीक बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो चीज़ हम क्या है इसमें देखने वाले हैं। तो सपोज हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सपोज हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्लस क्या है, एक हमने क्या है वीक बेस यहाँ पर ले लिया, वीक बेस हमने यहाँ पर क्या है ले लिया, तो एसिडिक क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होगा। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इस पर क्या है हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पर क्या है हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं, इसके एग्जांपल क्या है हम देख लेते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास क्या है, AlOH, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये क्या है, एक हम बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास हमने AlOH ले लिया और इसे हम क्या है HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, AlCl3+ वाटर, ठीक है, AlCl3+ वाटर। अब यहाँ पर क्या था हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये तो क्या है वीक वीक बेस है, वीक बेस है, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये क्या है, एसिडिक एसिड है, ठीक है, एसिडिक एसिड है, ठीक है। और ये क्या है, एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे हम इसे, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे बेसिकली, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे हम इसे, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। ये क्या है, हमने यहाँ पर एसिडिक एसिड गलत बोला था, ठीक है, इसको क्या है हमने गलत बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसको एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपने एग्जाम्पल देख लिया। अब इसमें हम क्या है दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, हम यहाँ क्या है दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं। या तो हमने बात करी थी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, अब क्या है यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा, ठीक है, तो उस केस को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हमने वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया, तो यहाँ पर क्या है एक बेसिक सॉल्ट बनेगा। वहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या बन रहा था, एसिडिक सॉल्ट बन रहा था, और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है, बेसिक सॉल्ट बनेगा। सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, CH3COOH हमने यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल ले लिया, प्लस NaOH, ठीक है, प्लस NaOH से हमने इसे रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, CH3COO-Na++H2O, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है वीक एसिड है, ये क्या है एक वीक एसिड है, एसिटिक एसिड हम इसे बोलते हैं, एसिटिक एसिड इसे बोलते हैं, ये क्या है विनेगर और ऐसी चीज़ों में प्रेजेंट होता है, ठीक है, विनेगर, एसिटिक एसिड इसे हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ना एसिटिक एसिड आपको कंफ्यूज करने के लिए एक बार बोला था, देखें अगर आप चेक कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। पर यहाँ क्या है, हम इसे एसिटिक एसिड नहीं बोलते, CH3COOH क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, विनेगर और इन सब सब्सटेंसेस में क्या है प्रेजेंट होता है, और वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है। और हमने यहाँ पर NaOH बेस कैसा ले लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ये कैसा है, बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हम आ जाते हैं फाइनली फोर्थ टाइप की रिएक्शन पे, फोर्थ टाइप की रिएक्शन पे, जो कि क्या है, रिएक्शन विद, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स, ठीक है। यहाँ पर हम फोर्थ टाइप के रिएक्शन पे आ रहे हैं, जो कि क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स बेसिकली हमने क्या है पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो क्या है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, आपने ये चीज़ 7th-8th क्लास में भी पढ़ी होगी, मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, दैट मीन्स एसिड के साथ रिएक्ट करके, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, ठीक है। तो अब जब हमने पढ़ा था इससे पहले भी कि एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, ये बेसिक है नेचर में मेटल ऑक्साइड, तो एसिड को बेस के साथ ही रिएक्ट करा रहे हैं बेसिकली हम यहाँ पर भी, तो क्या है सॉल्ट प्लस वाटर
बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं मेटल ऑक्साइड हमने ले लिया है, मेटल ऑक्साइड हमने ले लिया है जो कि क्या है, बेसिक है नेचर में। इसे हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो रिएक्शन क्या बनेगी, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये एक बेसिकली रिएक्शन बनेगी। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। सपोज हमने Na2O+HCl, तो ये क्या बनेगा, NaCl+H2O, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्या है, हमारा मेटल ऑक्साइड है, ये क्या है, हमारा मेटल ऑक्साइड है, और ये क्या है, हमारा एसिड है। तो यहाँ पर हमें क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्म हुआ है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि मेटल ऑक्साइड्स के साथ जो कि बेसिक होता है नेचर में, अगर उनके साथ हम एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर ही फॉर्म होगा। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर ही फॉर्म होगा। अब बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बेस, सपोज सपोज अगर बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है, देखा है आपने कभी बेस बेस के साथ रिएक्ट करे। ठीक है, बेस बेस के साथ रिएक्ट या एसिड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो क्या है, नो रिएक्शन हो जाती है बेसिकली। वहाँ पर क्या है, नो रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा लिख लो आप तो आपको याद रहेगा, मेटल ऑक्साइड जो कि क्या है, बेसिक है नेचर में, इसे अगर हम क्या है बेस के साथ ही रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर क्या है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, इसे इस फॉर्म में, हाँ ये लो। ठीक है, ये क्या है, नो रिएक्शन फॉर्म करेगी क्योंकि बेस और बेस साथ में कभी रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। लास्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं हम, जो कि क्या है, हमें पढ़नी है, फिफ्थ नंबर की रिएक्शन है, रिएक्शन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, विद बेसिस। ठीक है, अब इससे पहले वाली रिएक्शन हमने पढ़ी थी, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स। ठीक है, वहाँ पर विद एसिड्स क्यों था, क्योंकि हमें पता है मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, तो वो क्या है, वहाँ पर रिएक्ट करके एक बेसिक नेचर का सब्सटेंस और एक एसिडिक नेचर का सब्सटेंस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये चीज़ भी हमने देखी है। ठीक है, कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं नेचर में, एसिडिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, तो इसीलिए इन्हें बेसिस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम यहाँ पर। क्योंकि क्या है, जब एक एसिडिक नेचर का सब्सटेंस बेसिक नेचर के सब्सटेंस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाएगा। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन भी हम देख लेते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड हमने ले लिया है यहाँ पर, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस हमने यहाँ पर क्या है, प्लस बेस हमने रिएक्ट करा दिया है, तो यहाँ पर क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर ही हमारे पास क्या है, बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर ही हमारे पास बन रहा है, ये क्या है, एसिडिक है नेचर में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स। ठीक है, सपोज CO2 क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, प्लस NaOH हमने क्या है, बेस ले लिया है, तो यहाँ पर सब्सटेंस क्या बन रहा है, Na2CO3+ वाटर, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है, ये क्या है, एक सॉल्ट है, ये क्या है, एक बेस है, और ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है जो कि नेचर में कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, इतनी बात बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको बताई है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर हमारे पास SO2 है और हमने यहाँ पर क्या है, KOH एक बेस मिलाया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, K2SO4+H2O, फिर से ये क्या है, एक सॉल्ट है, ये क्या है, एक बेस है, और ये क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है जो कि क्या है, एसिड है, एसिडिक है नेचर में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमने बात करी थी कि अगर हम वहाँ पर हमने बात करी थी कि अगर हम मेटल ऑक्साइड को बेस, इससे पिछले वाली रिएक्शन में, इससे पहले वाली रिएक्शन में हम बात करी थी कि अगर मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, नो रिएक्शन होगा, हमने पढ़ा था, क्योंकि बेस और बेस साथ में रिएक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ पर क्या है, नो रिएक्शन ही होगा, क्योंकि एसिड और एसिड, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में, एसिड प्लस एसिड कभी भी साथ में रिएक्ट नहीं कर सकते, साथ में रिएक्ट नहीं कर सकते। तो ये नोट में या कैसे भी आप लिख लेना। ठीक है, इफ नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड के साथ हम इसे रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन होगा, क्योंकि क्या है, बेस एसिड और एसिड साथ में रिएक्ट
एसिड और एसिड साथ में रिएक्ट नहीं कर सकते, नहीं करते, ठीक है। तो इतनी चीज़ हमने यहाँ तक समझ ली। यहाँ पर हमने क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज इस लेक्चर में देखी कि इनके एसिड बेसिस की, ठीक है। अब इसके आगे फर्दर हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई क्वेरी और डाउट हो, मैं आपको हर लेक्चर में बोलता हूँ, ठीक है। हर लेक्चर में मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि अगर यहाँ तक इस लेक्चर में कोई क्वेरी या फिर डाउट हो, ठीक है, तो क्या है उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। इस चीज़ की गारंटी हम लेते हैं कि मैं खुद वहाँ पर आपको क्या है पर्सनली सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूँगा एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको वीडियो को देख लिया तो एक क्या है लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि क्या है जो भी फर्दर लेक्चर्स आएंगे हमारे वो उनके अपडेट्स आपको टाइम पर मिलते रहें और विदाउट एनी डिले आप अपनी स्टडी को क्या है कैरी फॉरवर्ड कर सकें, ठीक है। तो इसके आगे विल बी कंटिन्यूइंग इन आर लेक्चर टू, नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्या है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। मीट यू सून इन योर नेक्स्ट लेक्चर।